नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेट विजुअल आर्ट जुलाई 2016 के पेपर नंबर 3 के बारे में। पेपर नंबर 3 का यह हमारा पहला पार्ट है। दोस्तों, नेट विजुअल आर्ट सॉल्वड ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की मैंने एक सीरीज तैयार कर रखी है, जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग की प्रक्रिया में, जिसमें ऑप्शन में है लकड़ी के ब्लॉक का प्रयोग होता है, लोहे ब्लॉक का प्रयोग होता है, प्लास्टर ब्रिक ब्लॉक का प्रयोग होता है, रबड़ ब्लॉक का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि विस्कोसिटी प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया में लोहे के ब्लॉक का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिल्क स्क्रीन प्रोसेस में प्रकाश के प्रति संवेदनशील फिल्म को अनावृत किया जाता है। ऑप्शन में है इसे काला बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, पर्दे यानी कि स्क्रीन को सख्त बनाने के लिए, या रंग में परिवर्तन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तस्वीर बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तित कर दिया है। ऑप्शन में है रेनवा, पॉल गोगवा, लोत्रे या गोया। तो ऐसे वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने पोस्टर प्रिंटिंग कला में परिवर्तित कर दिया था, वो थे आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लोत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में धसे क्षेत्र से मुद्रण किया जाता है। ऑप्शन में है आपका वुडकट, इंटिग्लियो, लिथोग्राफ या ऑफसेट प्रिंटिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नंबर 2, यानी कि इंटिग्लियो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धसे क्षेत्र में मुद्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित स्थान से प्राप्त प्रेस से ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई थी। ऑप्शन में है आपका डच, इटली, जर्मन या इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ब्लॉक पर वुड इनग्रेविंग की जाती है। ऑप्शन में है किनारे के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से, अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से, निचले ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से, या ऊपरी ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अंत के ग्रेन वाली लकड़ी के फलक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शव किसका वाहन है। ऑप्शन में है चामुंडा, सरस्वती, पार्वती या दुर्गा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चामुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी है। ऑप्शन में है सुबोध गुप्ता, बेजू परथन, मीरा मुखर्जी या अल्पना कौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मीरा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन में है प्लेटो, हेगेल, कांट या कार्ल मार्क्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हेगेल। नेक्स्ट है, गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बरवाड़ा मस्जिद, जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी, वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन में है घोगा, भावनगर, भरचू, भरूच या अहमदाबाद या सूरत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि घोगा भावनगर में है। नेक्स्ट है, सांची महास्तूप के किस तोरण में बरेड़ी के आगे और पीछे विषांतर जातक कथा चित्रित है। इसका ऑप्शन में है आपका पश्चिम तोरण, मध्य बरेड़ी, दक्षिणी तोरण उत्तरी ब्रेड़ी, पूर्वी तोरण मध्य ब्रेड़ी या उत्तरी तोरण निचली ब्रेड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उत्तर तोरण निचली ब्रेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की है। ऑप्शन में है विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, द स्टोरी ऑफ आर्ट, मीनिंग इन द विजुअल आर्ट या विजन एंड डिजाइन। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि ग्रिसेल्डा
जो पुलोक है उनकी जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है सांची, भरहूत, अमरावती या उदयगिरी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भरहूत। नेक्स्ट आगे है, जापानीज फॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई है? ऑप्शन में है सिस्टाइड मेलिल, माइकल आयरटन या एडवर्डो पावोलोजी या मेरिनो मारिनी। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि जैपनीज फॉर गॉड जो एक मूर्ति है वो बनाई है आपके एडवर्डो पावोलोजी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में संरचनात्मक मूर्तियों का समूह है? ऑप्शन में है मेलविच गाबो रोडचेंको या पिकासो मेलविच गाबो, पिकासो टैटलिन पेवसंसर या टैटलिन बोचियोनी जवा आरपा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मेलविच गाबो और रोड चेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? ऑप्शन में है कॉन्स्टेंटिन ब्राकुसी, मार्शल दुंशा, एडवर्ड डेगास या डेविड समीथ। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि बाइसाइकिल व्हील जो है वो आपके ऑप्शन नंबर 2 मार्शल दुंशा की बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हेनरी मूर निम्न में से किससे प्रभावित थे? ऑप्शन में है अफ्रीकी मूर्ति, माया अजेटिक मूर्ति, इत्रिसियो मूर्ति या भारतीय मूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि हेनरी मूर जो है थे वो माया एंड एजेटिक मूर्तियों से प्रभावित थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, बोध प्रतिमा लक्षण निम्न में किससे दर्शाती है? ऑप्शन में है बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं, बुद्ध की पुरानी कथाएं या बुद्ध की खड़े होने की स्थिति की मुद्राएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बुद्ध की पुराणिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट है, प्रिंट को आज 3 मुख्य प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन में है कास्टिंग, बेंडिंग, कलेक्टिंग फिर नेक्स्ट है गैदरिंग, असेंबलिंग एंड बाइंडिंग, प्रीप्रेस, प्रेस एंड पोस्ट प्रेस या प्रिंटिंग, कास्टिंग या फिनिशिंग। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि प्रिंटिंग की जो 3 मुख्य चरण है आज के जो हम आजकल इसको जो यूज़ करते हैं वो है आपकी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रीप्रेस, प्रेस और पोस्ट प्रेस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1968 में विश्व का प्रथम पोस्टर संग्रहालय खोला गया था? ऑप्शन है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, वर्सा म्यूजियम पोलैंड या लोवरे म्यूजियम पेरिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वर्सा म्यूजियम पोलैंड थे जहां पे 1968 में विश्व का पहला पोस्टर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम खोला गया था। नेक्स्ट है, किसने एक सफल विज्ञापन अभियान में मार्केटिंग संकल्पना के तौर पर पहली बार यूएसए यूएसपी यानी कि यूनिक द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन में आपके रोजर रिजर्व नंबर 2 पे है, डेविड ओगलवी, थियोडोर लेविट या थियोडोर लेविस, टेड बिट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रोसर रिवर्स थे जिन्होंने सबसे पहले जो है आपके मार्केटिंग में जो है द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का प्रस्ताव रखा था यानी कि यूएसपी का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1960 में 4P के वर्गीकरण का प्रस्ताव किया और तब से ही विश्व भर में मार्केटर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑप्शन में है जयराम मैकार्थी, नील बॉर्डन या बिल बियर्नबक
या पॉल रैंड। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जेरोम मैकार्थी। नेक्स्ट है विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला जिसका विचार एवं विषय एक होता है और होता है तथा जो एकीकृत मार्केटिंग संचार बन जाता है इसे निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन में है कैंपेन, IMC, मार्केटिंग मिक्स या USP। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उसको हम बोलते हैं कैंपेन। कैंपेन एक जो है सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है और जिसमें जो कि एक मार्केटिंग का एक एकीकृत मार्केटिंग संचार बन जाता है, एक श्रृंखला होती है जिसमें विचार और विषय एक ही होता है, तो वो है आपका कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोहाउस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। ऑप्शन में है आपका क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म, आर्ट नोवो या पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्ट नोवो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 25th क्वेश्चन है आपका किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे। ऑप्शन में है मनकू, निहालचंद, नैनसुख और बिशनदास। इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा कि किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार जो थे वो निहालचंद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। नेक्स्ट है स्पितोमातो किसकी तकनीक है। ऑप्शन में चित्रकारी, मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट या छापा कला। इसका जो सही आंसर है यानी कि स्पितोमातो एक टेक्निक है जो कि चित्रकला में यूज की जाती है या चित्रकला की तकनीक को स्पितोमातो कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौनती एक रेखाचित्र तकनीक है जिसका आविष्कार हुआ। ऑप्शन में है भारत में, फ्रांस में, श्रीलंका में या पोलैंड में। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्रांस में उसका आविष्कार हुआ, यानी कि कौनते जो एक रेखा चित्र तकनीक है उसका आविष्कार जो है वो फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किसकी कृति है। ऑप्शन में है जॉन वान आइक, पिकासो, गुस्ताव क्लीवबंड या पॉल गोगवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गुस्ताव क्लीबंट है, गुस्ताव क्लीबंट है जिनका द किस नामक एक उनकी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तृतीय रंग है। ऑप्शन में है 4, 6, 8 या 3। तो ये सभी को पता होगा कि जो हमारे तृतीय रंग होते हैं वो हमारे होते हैं 6। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी चित्रकला के सम्मेलन का परिणाम है। ऑप्शन में है भारतीय और चीनी कला, भारतीय और यूरोपीय कला, भारतीय और फारसी कला, भारतीय और थाई कला। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारतीय और यूरोपीय कला जो है वो कंपनी कला का समामेलन का परिणाम है, यानी कि जो हमारी कंपनी चित्रकला जो थी जो वो शुरू हुई थी उसमें भारतीय कला और यूरोप कला का मिश्रण रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाता है।